सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंग राजा अंग विवाह करते हैं सुनीता से, और ये सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। बहुत सुंदर थी, वीणा बहुत अच्छा बजाती थी। ये मंत्रियों ने मना किया कि इस घर से संबंध करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु का घर है और उस मृत्यु के घर के संस्कार तुम्हारे घर में भी आएंगे, मत करो। लेकिन बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आपके अंदर जब मोह पैदा होता है तो वो फिर अंधा हो जाता है, अंधा कर देता है व्यक्ति को। और राजा अंग भी अंधे हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, सुनीता से विवाह करूंगा। विवाह करके आ गई, संतान नहीं हो रही थी तो यज्ञ किया, यज्ञ चरु मिली, संतान गर्भ में आई। लेकिन नाना के गुण, मातृपक्ष के गुण उस बालक में आ गए और वो बालक जन्म लेते ही उसकी दुष्टता प्रारंभ हो गई। मां समझाती है नहीं मानता है, पिता समझाते हैं नहीं मानता है, नहीं मानता है। और एक दिन तो उसके दुख से दुखी होकर के महाराज अंग ने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। अब यह भागवत में घर छोड़ने के पहले जो महाराज अंग ने बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने योग्य है, और ये कार्यक्रम ये जो हम आयोजन करते हैं सुनने के लिए करते हैं, कुछ कानों में पड़े इसलिए तो ये है। तो देखिए सुनिए राजा अंग क्या कहते हैं। प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रज्ञा गृहमेधिनः कदपत्यव्रतम दुःखम ये न विन्दति दुर्भरम यतः पापी यसि कीर्ति धर्मश्च महानृणाम यतो विरोधः सर्वेषां यत आदिरनन्तकः। राजा अंग कह रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पहले तो मैं आपसे पूछूं, आप ये चाहते हो कि आपके घर में संतान अच्छी हो कि खराब हो, आपका पुत्र सुपुत्र हो कि कुपुत्र हो। आप सब लोग सोचते हो कि पुत्र सुपुत्र हो, ऐसा कोई भी मां बाप नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि हमारा पुत्र को पुत्र निकले, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। लेकिन यहां अंग के विचार देखें आप, अंग को इस पुत्र के दुष्टता से वैराग्य हुआ है, घर छोड़ने वाले हैं, और उसके पहले घर छोड़ने के पहले मनी मन विचार करते हुए एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने निश्चित ही पूर्व जन्म में आराधना की थी, इसलिए उनके घर में पुत्र नहीं है। आप सब पुत्र चाहते हो, संतान ना हो तो दंपति परेशान हो जाते हैं, यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। और यहां पर ये अंग महाराज कहते हैं कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्होंने निश्चित ही है पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी, इसी से उन्हें कुपुत की करतूतों से होने वाली उसका क्लेश नहीं सहना पड़ता है। कैसे उसके क्रियाकलाप होते हैं जिसकी करने से माता पिता का सारा सुयस मिट्टी में मिल जाता है। कहते हैं ना, बाप का कराया धराया बेटा सब बराबर कर देता है। उन्हें कुधर्मगामी होना पड़ता है, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेने पड़े, और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मात्र के संतान के लिए कौन ऐसा अभागा होगा, ऐसा कौन समझदार पुरुष होगा जो ललचाएगा। अंग महाराज अपना निर्णय सुनाते हैं, मैं तो सपूत की जगह कपूत होना अच्छा समझता हूं, क्योंकि सपूत को छोड़ने में मन को बहुत कष्ट होगा और कुपुत्र होगा तो मन को छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। कदपत्यम वरम मन्ये सत्पत्तांचुकाम पदात,
वो कहते हैं कि मैं कुपुत्र को चाहता हूं, कुपुत्र हो जाए तो फिर कम से कम हमारी ममता तो वहां से छूटे। और ऐसा कह करके, ऐसा सोच करके, और उन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके जंगल में रहे और जंगल में प्रभु आराधन, संतों के साथ प्रभु आराधन करने लग गए। चारों तरफ अनाचार फैल गया, जो दुष्ट लोग तो उनको मौका मिल गया कि वो राजा तो है नहीं गद्दी पर, तो वो बहुत उपद्रव करने लग गए। और जब उपद्रव देखा संतों ने, समाज चिंतक संतों ने जब उपद्रव देखा कि उपद्रव हो रहा है, वो आए और उन्होंने मंत्रणा की कि क्या करना चाहिए, राजा के इस नालायक बेटे को ही बैठा देना चाहिए। मंत्र ने मना भी किया कि महाराज मत बैठाओ इसको, बैठा दिया तो और ज्यादा उपद्रव हो जाएगा। लेकिन संतों ने कहा कि नहीं, समाज जो प्रताड़ित हो रहा है इन दस्युओं से, इन लुटेरों से, इन चोरों से जो बहुत दुखी है, इसका इलाज होना चाहिए, राजा बैठना चाहिए। और मंत्रियों के न चाहने पर भी उस दुष्ट को, उस बैन को, महाराज अंग के पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया गया। वो जो ही गद्दी पर बैठा है तो बैठते ही उसकी सबसे पहली घोषणा हुई है, नयष्टव्यम न दादव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित, कोई यज्ञ नहीं करेगा। संतों को पता चला, ब्राह्मणों को पता चला, कोई यज्ञ नहीं करेगा। अरे यज्ञ तुम्हारा जीवन है, यज्ञ तुम्हारा प्राण है, और हम यज्ञ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? महाराज कृपा करो यज्ञ करने दो। नहीं, यज्ञ नहीं हो सकता। तो ठीक है महाराज, हवन करने दो। नहीं, न होतव्यम तुजा क्वचित, हवन भी नहीं हो सकता। जंगल के ऋषि अपनी अपनी वह तपस्या छोड़ करके, अपनी साधना छोड़ करके, अपने यज्ञ छोड़ करके, अपने हवन छोड़ करके और समझाने के लिए राजा के सामने खड़े हैं, लेकिन वो मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं। राजा कहता है, हे महापुरुषो, तुम किसकी बात करते हो? कौन भगवान? तुम मूर्ख हो, भगवान तो मैं सामने बैठा हूं, राजा नारायण का रूप माना जाता है तो मैं नारायण सामने बैठा हूं, तुम किसकी पूजा भवन करने के लिए बात कर रहे हो? तस्मान माम कर्मी विप्रा यजद्वम गत मत्सराहा, मत्सरता छोड़ करके मेरा भजन करो। बलिम चमक्षम दयम मतुन्य कोंग भुक्मान, बलि भी देनी है तो मुझे दो, मुझसे बड़ा और कौन है? ऋषि समझ गए कि ये समझने वाला नहीं है और ऋषियों ने श्राप दे दिया, हन्यताम हन्यताम ईश पाप प्रकृति दारुणः, तू इतना दुष्ट है, तू परमात्मा से अपनी तुलना कर रहा है, जा हम तुम्हें श्राप देते, तू अभी का अभी मर जा। हन्यता हन्यताम ईश पाप प्रकृति दारुणः, हन्यता हन्यताम ईश पाप प्रकृति दारुणः। संतों के मुख से निकला, बात शुद्ध हुई, सत्य हुई, समाप्त हो गया। संत तो कह के चले गए, लेकिन उसकी मां जो सुनीता थी वो थोड़ी चतुर थी, उसने पुत्र के शव को नष्ट नहीं होने दिया, जलाया नहीं, बल्कि तेल की कढ़ाई में सुरक्षित रख लिया कि शायद मेरे पिता यमराज हैं, कुछ युक्ति निकल जाए, ये पुनः जीवित हो जाए। अब राजा फिर कोई नहीं है तो अराजकता फिर बढ़ने लग गई, ऋषियों तक पुनः बात पहुंची, ये तो चारों तरफ फिर अराजकता फैल गई है, हमने उसका वध तो कर दिया है, दुष्ट है, लेकिन बात अभी भी समाधान नहीं हुआ बातों का, क्या करना चाहिए? तो फिर सबने निर्णय करके कहा कि इसके शरीर का मंथन करें और इस मंथन से ही राजा प्रकट हो, उसको बैठाया जाए। तो बैन के उरु का मंथन किया गया, दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, दाहिनी भुजा ना, इसका मंथन किया गया और उससे पृथु महाराज निकले हैं, जिनसे इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है।